हेलो दोस्तों, कैसे आप सब। स्वागत है आप सभी का फिर से हमारे आज के एक नए ब्लॉग में। तो नवंबर का एंड होने जा रहा है और दिसंबर स्टार्ट होने वाला है, तो चलिए पिकनिक का टाइम तो आने वाला है, तो आपको दिखाते हैं कुछ माइथन का बेस्ट प्लेसेस जहां पर आप लोग आइएगा तो पिकनिक मना सकते हैं। ये काफ़ी अच्छा प्लेस है और साफ़ सुथरा भी अभी फिलहाल है। 10-15 दिन बाद तो थोड़ा सा ये थोड़ा डर्टी हो जाएगा जब पिकनिक मनने लगेगा, तो उससे पहले हम आपको दिखा देते हैं कुछ प्लेसेस। ये देखिए कितना सुंदर सा ये प्लेस है, ये हमारा फर्स्ट प्लेस है जहाँ पर हम लोग खड़े हैं। ये देखिए कितना सुंदर सा प्लेस है यहाँ पर, इधर बैकग्राउंड भी सही आ रहा है और डायरेक्ट हम लोग का सूर्य का किरण भी है और उधर पेड़ पौधा जहाँ आप लोग ज़्यादा धूप लगे तो बिछा कर बैठ सकते हैं। ऐसे ठंडा का दिन है तो आदमी धूप ही खोजता है, तो इस वजह से ये प्लेस सबसे बेस्ट है और एक नंबर प्लेस है। ठीक है, चलिए दिखाते हैं, यहीं से स्टार्ट करते हैं। आप हमारे चैनल पर नए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन जरूर दबाए और थोड़ा वीडियो शेयर भी कर दीजिए। तो चलिए चलते हैं, बने रहिए हमारे ब्लॉग में एंड तक। ये आप देख सकते हैं इधर रोड है जिधर से गाड़ी जा रही है और उधर से ये बस यही है हम लोग का फर्स्ट प्लेस। ये काफ़ी अच्छा प्लेस है, देखिए ऊपर में थोड़ा सा पहाड़ भी है, आप लोग घूम सकते हैं ऊपर जा करके, फ़ोटो वोटो खिंचवा सकते हैं। ये काफ़ी अच्छा प्लेस है। देखिए अभी तो फिलहाल साफ़ सुथरा ये प्लेस है, तो फिलहाल ये अच्छा है प्लेस। अभी जो फर्स्ट में आ रहे हैं आप लोग पिकनिक मनाने फर्स्ट वीक में, तो वो काफ़ी अच्छा है दिसंबर। ये जो प्लेस आप देख रहे हैं देखिए कितना सुंदर प्लेस है, एकदम साइड साइड में और अच्छा प्लेस है। यहाँ का जो व्यू है काफ़ी सुंदर है, ये देखिए इधर भी है थोड़ा सा छोटा छोटा पहाड़ है, फोटो वोटो खिंचवाने के लिए ठीक प्लेस है। ये देखिए और ये जो प्लेस देख रहे हैं आप ना, ये काफी ये हम लोग का फर्स्ट प्लेस है। ठीक है, आप लोग जैसे ही माइथान से इंटर करिएगा तो ये आपका फर्स्ट पड़ेगा लेफ्ट में, उधर से माइथान से जब इंटर करिएगा तो ये हम लोग का फर्स्ट प्लेस है और अच्छा प्लेस है। यहाँ पर आप लोग मना सकते हैं पिकनिक, लेकिन एक दो सप्ताह बाद फिर भीड़ बहुत ज़्यादा हो जाता है और अच्छा प्लेस है यहाँ पर। तो चलिए आपको सेकेंड प्लेस की तरफ लेकर चलते हैं जो हम लोग का बस यहीं जस्ट आगे में है थोड़ा सा, तो देखते हैं कौन सा प्लेस बेस्ट है। और ये रहा कुछ हम लोग का सीन, पहाड़ का देखिए बैकग्राउंड पीछे है। इधर देखिए बैक में रास्ता है, तो चलिए लेकर चलते हैं आपको सेकंड प्लेस की तरफ जो कि हमारा यही है थोड़ा सा आगे। बस ये हमारा फर्स्ट प्लेस ऐसा रहा और ये काफ़ी अच्छा प्लेस है और फ्रेश प्लेस है, साफ सुथरा है। तो चलिए दिखाते हैं आपको सेकंड प्लेस। ये रहा हमारा सेकेंड प्लेस,
जहाँ हम लोग पिकनिक मना सकते हैं। देखिए कितना सुंदर जगह है ये, और यहाँ प्लेस अच्छा है, यहाँ पर पूरा भीड़ हो जाएगा अभी एक दो सप्ताह बाद। देखिए और यहाँ से जस्ट 10 कदम का दूरी पर देखिए वो सीढ़ी से आप लोग जा सकते हैं, उधर हमारा डैम है ऊपर में। ये पूरा प्लेस है, बहुत बड़ा प्लेस है यहाँ पर ये वाला, और यहाँ पिकनिक के लिए ये भी बेस्ट जगह है माइथन का। देखिए कितना पेड़ पौधा यहाँ पर है चारों तरफ। ये जो प्लेस है बेस्ट प्लेस है इस जगह का, और यहाँ पर देखिए एक दो सप्ताह बाद पूरा भीड़ हो जाएगा। अभी तो खाली सब दिख रहा है क्योंकि पिकनिक का टाइम स्टार्ट होने वाला है। चलिए दिखाते हैं आपको, नीचे मेला भी लगने वाला है और उसका भी तैयारी चल रहा है, प्रिपरेशन मेला का। तो बच्चा लोग के लिए ये भी जगह है जहाँ हम लोग का मेला लगने वाला है पिकनिक टाइम में, वो भी दिखाते हैं आपको। है यहाँ देखिए मेला लग रहा है, इधर देखिए मेला लगने वाला है, तैयारी चल रहा है इसका भी। और यहाँ से आप लोग जस्ट थोड़ा सा आगे जाइएगा, ये हमारा माइथन डैम है। ये देखिए फाटक आपको सीधा दिख रहा होगा, जो यहाँ से थोड़ा सा छोटा सा पार्क भी है, बच्चे लोग घूम सकता है। ये कुछ रहा फ्लावर गार्डन हमारा, और ये रहा बच्चे लोग को खेलने का मिलेनियम पार्क। ये रहा मिलेनियम पार्क बच्चे लोग खेलने का। ये देखिए नीचे हम लोग का पिकनिक स्पॉट था, और यहीं जब सीढ़ी से आप ऊपर आइएगा तो ये आपका ऊपर में पार्किंग वगैरह का सुविधा है और दुकान वगैरह है। वही बगल में हमारा वेलकम टू काली बोटिंग घाट। इधर देखिए इसकी भी तैयारी चल रही है सभी, इसको देखिए पेंट किया गया है ये वाला पिलर को, और बाकी सब पेंट किया जा रहा है, धीरे धीरे काम चल रहा है जोरों से, सजाया गया है। इधर देखिए देखिए काम चल रहा है, इसका भी अच्छी तरह से डेकोरेशन चल रहा है। देखिए पिकनिक चालू होने वाला है। आइसक्रीम का शॉप है यहाँ पर कुछ ऐसा, ये बेस्ट प्लेस है यहाँ का जो है ना। देखिए पानी वानी बढ़ गया है, अभी बढ़ गया नहीं बढ़ाया गया है पानी को, क्योंकि पिकनिक चालू होने वाला है, इस वजह से यहाँ का पानी थोड़ा का लेवल ऊपर किया गया है। कितना रुपया है यहाँ का? 100 रुपया एक आदमी का, एक आदमी का 100 रुपया है। कहाँ तक जाएगा घुमाने के लिए? अच्छा अच्छा ठीक है, ठीक ठीक ठीक, चलिए 100 रुपया ना, ठीक है चलते हैं। जैकेट पहनना पड़ेगा, ठीक है देखिए जैकेट पहनना पड़ेगा सेफ्टी के लिए, हम लोग कोई जैकेट लेंगे। चलिए हम लोग भी जैकेट पहनते हैं, में डालिए पहले। इसको लगाना है, लगाइए। हमारा सेफ्टी है और सर उसको तो ठीक है, और कुछ पैसा देना आपको अभी। चलिए हम लोग चलते हैं, दिखाता आपको बोटिंग कुछ नज़ारा, मज़ा आएगा। ये रहा हमारा बोट,
इसी में जाएंगे, पहले खोल लेते हैं इसको, लगा देते हैं। ये देखिए कितना सुंदर नज़ारा है। ये रहा कुछ नज़ारा हमारा। उस पर बैठना पड़ेगा, कैमरा रुकिए एक मिनट, एक मिनट के रुकिए। देखिए ऊपर ऊपर के, चलिए हम लोग बोर्ड पर आ गया। हमारा बोट चालू हो चुका है, चलते हैं सैर पर, देखते हैं क्या क्या मिलता है। और ये लोग तो देखिए मजाक कर रहे हैं, बीच में ला करके बंद कर दिया बोट एकदम। देखिए बोट एकदम खड़ी है पानी में। तो चलिए ये थोड़ा रेस्ट था बोट के लिए, तो हमारी बोट स्टार्ट हो गई, अब फिर चलते हैं हम लोग थोड़ा आगे। और यही टापू है चम्मच टापू, उसी का पूरा चारों तरफ घुमा करके फिर हम लोग को चले जाएगा वहाँ, और हम लोग वहाँ भी जाएंगे थोड़ा सा आगे, जो हमारा फाटक है माइथन डैम का, जो फाटक है वहाँ से भी सामने से भी क्रॉस होगी। ये नाव हमारे देखिए नो जा रहा है फाटक की तरफ। हाँ उस पर रखने जगह, चलिए हम लोग घूम लिए, चलते हैं थर्ड प्लेस की तरफ। यहाँ हम लोग पिकनिक प्लेस थर्ड, और सबसे बेस्ट प्लेस यही था हमारा, यहाँ पर हर चीज़ का सुविधा है आपको मिलेगा। इरा वोट 100 रुपीस है। हाँ यहाँ बहुत सारा नाव है, आ सकते आप लोग। ये देखिए कितना सुंदर सा प्लेस है ये।
यह माइथन बोटिंग क्लब है और यहाँ पर भी अच्छा प्लेस है। और यहाँ से देखिए सब बोट के लिए रास्ता बनाया गया है स्पेशल। मजाक कर रहे हैं, देखिए ये सब बोट है घुमाने के लिए। और ये है बोटिंग का रेट कार्ड जो देखिए हमारे सामने दिख रहा है आपको। ये भी देखिए एक छोटा सा प्लेस है ना, आप लोग पिकनिक कर सकते हैं। यहाँ से डायरेक्ट गाड़ी वगैरह डायरेक्ट आ जाता है यहीं पर। तो ये हम लोग का कुछ प्लेस है, उधर देखिए ये छोटा सा प्लेस है। वहाँ देखिए जब चेक पोस्ट आप पार करिएगा तो फिर ये हमारा रास्ता है, ये हमारा दिया गेस्ट हाउस की तरफ से गया है ये रास्ता है। इस रास्ते से होते हुए आप जाइएगा दूसरे पिकनिक स्पॉट की तरफ। तो पिकनिक का टाइम आने वाला, इस वजह से इस रास्ते को देखिए रिसेंट में बनाया गया है जो काफ़ी अच्छी तरह से बना दिया गया है। तो चलिए दिखाते हैं आपको नेक्स्ट पिकनिक स्पॉट जो कि और भी सुंदर है। यहाँ व्यू काफ़ी अच्छा है और एकदम शांति इलाका है। और यहाँ का जो स्पेस है बहुत बड़ा स्पेस है, ठीक है। ये देखिए सब पेड़ पौधों को अच्छी तरह से रंग दिया गया है और जगह को साफ कर दिया गया है। चलिए दिखाते हैं इस स्पेस को, थोड़ा और एक्सप्लोर करते हैं आगे जाके हम लोग। देखिए नाव कितना सब लगाया गया है यहाँ पर, आप लगा सकते हैं। ये देखिए नाव वगैरह लगाया गया है। बहुत बड़ा स्पेस है ये और काफ़ी अच्छा स्पेस है। देखिए सब पेड़ वगैरह को रंग दिया गया है। और देखिए यहाँ नाव का संख्या बहुत ज़्यादा है। तो ये हमारा थर्ड पिकनिक प्लेस हुआ, स्पेस बहुत ज़्यादा है तो यहाँ भी आ सकते हैं और काफ़ी यहाँ शांति आपको मिलेगा और यहाँ का व्यू भी काफ़ी अच्छा है। तो ये हमारा माइथन का थर्ड हुआ। अब चलिए दिखाते हैं आपको फोर्थ कौन सा है। थोड़ा सा इससे जस्ट आगे जाना पड़ेगा, वहीं से हम लोग का रास्ता गया लेफ्ट साइड। चलिए चलते हैं। यहाँ से हम लोग लेफ्ट जाएंगे, इधर भी रास्ता पूरा बना दिया गया है। चलिए चलते हैं, अब लेफ्ट साइड दिखाते हैं आपको। ग्रीन डैम, क्लीन डैम, माई ड्रीम डैम बाय ऑर्डर DVC ये स्लोगन दिया गया है। इधर भी देखिए जगह को साफ सफाई किया गया है, तो इधर भी आप गाड़ी लगा सकते हैं आराम से। और इधर ये सब देखिए कुछ प्लेस है, यहाँ भी हम लोग का पिकनिक का प्लेस है। यहाँ एक छोटा सा मंदिर है और ये रास्ता बनाया नहीं गया है, तो चलिए इसी रास्ते से होते हुए हम लोग जाएंगे अपने नेक्स्ट पिकनिक प्लेस की तरफ। ये देखिए पूरा ये पार्क है और यहाँ भी जगह है पिकनिक स्पॉट का अंदर में। आप ये देखिए यहाँ से जस्ट आइएगा, लेफ्ट उतरिएगा, ये रहा हमारा एक पिकनिक स्पॉट। देखिए यहाँ से हम एंटर करेंगे, फोर व्हीलर टू व्हीलर सभी का एंट्री है, कोई प्रॉब्लम नहीं है यहाँ पर। इधर देखिए स्पेस है सब और आगे और स्पेस को साफ सुथरा किया गया है। चलिए वो भी दिखाते हैं आपको। ये सब देखिए प्लेस है, देखिए तो ये हमारा कुछ रहा नेक्स्ट पिकनिक प्लेस। देखिए काफ़ी जगह यहाँ पर है। देखिए पिकनिक स्टार्ट हो चुका है अभी।
कुछ नज़ारा हमारा देखिए पिकनिक प्लेस का कितना सुंदर लग रहा है देखिए। जैसे वहाँ से हम लोग निकलेंगे ये देखिए लेफ्ट थोड़ा आना पड़ेगा और बस यहीं पर जस्ट देखिए कितना बड़ा सा प्लेस है। यहाँ देखिए लिखा हुआ वेलकम पिकनिक स्पॉट। तो चलिए चलते हैं आगे और दिखाते हैं। यहाँ भी देखिए बोटिंग का प्रिपरेशन किया जा रहा है। ये रहा देखिए कुछ ऐसा व्यू और बहुत बड़ा एरिया है तो यहाँ भी आप लोग पिकनिक अच्छी तरह से मना सकते हैं। देखिए ये रहा हमारा पिकनिक कितना सुंदर व्यू है। उधर भी बोटिंग है चलिए उधर दिखाते हैं आपको थोड़ा सा आगे जाके। ये रहा कुछ व्यू। यहाँ पे देखिए बोट वगैरह को लगाया गया कुछ बोट देखिए तैयार हो रही है साइड में आपको दिख रहा होगा। तो ये जो गोली का आवाज़ आप लोग सुन रहे हैं वहाँ देखिए वहाँ फायरिंग पॉइंट है। यहाँ तैयारी चलता है फायरिंग का तो इस वजह से देखिए अभी फायरिंग हो रहा है CISF का। यहाँ फायरिंग का ट्रेनिंग होता है उस पहाड़ के पास इस वजह से आप लोगों को सुनाई दे रहा होगा आवाज़ फायरिंग का। तो ये रहा टोटल हमारा पिकनिक कुछ स्पॉट। ये माइथन का कुछ बेस्ट प्लेस है जहाँ आप लोग आकर पिकनिक मना सकते हैं और कुछ साइड में सीधा वाली साइड भी है तो उधर का तो एक बार मैंने अपना पिछले वीडियो में बताया था तो जाकर देख सकते हैं। बस एक ही प्लेस है वो सीधावाड़ी लेकिन यहाँ पर जो चार पांच प्लेस है जो बेस्ट प्लेस है जिसको मैंने आपको दिखाया ठीक है। तो ये सब देख के आप अपना बेस्ट प्लेस पता लगा सकते हैं जो आपको अच्छा लगे क्योंकि सबका पसंद अलग अलग होता है। तो मैंने तो अपना बेस्ट प्लेस दिखा दिया जो था एक जहाँ हम लोग बोटिंग वगैरह का सुविधा है और वहाँ डैम भी दिखता है वहाँ मतलब सब कुछ दिखता है। सेकेंड नंबर जो प्लेस था वो बेस्ट प्लेस था हमारा। तो दोस्तों ऐसे ही हमारे ब्लॉग को देखते रहें और लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं आप लोगों से अगले ब्लॉग में तब तक के लिए धन्यवाद। आप लोग भी पिकनिक का तैयारी करिए और माइथन डैम घूमने आइए बहुत अच्छा जगह है ये हमारे इस एरिया का। चलते हैं घर की तरफ। यहाँ जो जो प्लेस था हमने आपको दिखा दिया आपको जो बेस्ट लगे वहाँ आइए पिकनिक मनाइए क्योंकि पिकनिक का टाइम स्टार्ट हो चुका है और तैयारी भी यहाँ फुल जोरों शोरों से है DVC प्रशासन की तरफ से तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। सब साफ़ सफाई कर दिया गया है और हर जगह को अच्छी तरह से दर्शाया गया है जो आप देख सकते हैं हमारे वीडियो में आपको दिख जाएगा ठीक है। तो चलिए चलते हैं घर की तरफ। बाय।